क्योंकि आज एक साजिश चल रही है, लोग हमें उलझाए रखना चाहते हैं। हमारा समाज तरक्की ना कर ले, विकास ना कर ले, पढ़ लिख के आगे ना बढ़ जाए, तो उसको रोकने के कई रास्ते निकालते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो हमारे 4000 साल की गुलामी को तोड़ के भारत के संविधान के माध्यम से हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए, लेकिन ये इनको पच नहीं रहा। ये क्या करते हैं कि चिंतन करते हैं अपने थिंक टैंक में, ये चर्चा करते हैं ऐसी कौन सी ताकत है इनके पास, जो लोग लगातार 4000 साल हमारे गुलाम रहे, जिसने कभी काम के बदले में पैसा नहीं मांगा, जिसको जब चाहे हमने पीट दिया, जब चाहे उनके घरों में आग लगा दी, आज ये बोलने लगे हैं, अपनी मेहनत के बदले मेहनताना मांगने लगे हैं, हक और अधिकार की बात करने लगे हैं। ऐसी कौन सी ताकत इनके पास आ गई, इन बेजुबानों के पास, कि इनको जुबान मिल गई? तो उनको ये समझ आया, ये जुबान इनको पढ़ने लिखने के माध्यम से मिली है। और दूसरा, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन दिया सरकारी नौकरियों में आए, उससे थोड़ा सा थोड़ी सी खुशहाली आई, और अपने हक अधिकार को मांगने की एक ताकत हमें महसूस होने लगी, तो हम लोग बोलने लगे। तो उन्होंने सोचा, इनका बोलने का कैसे बंद किया जाए, इनके विकास के रास्ते को कैसे बंद किया जाए। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इतनी बड़ी ताकत इनको दे दी, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। प्रजातंत्र में अगर दोबारा सत्ता में आना है, वोट तो इनकी भी चाहिए। अब चूंकि इनकी भी वोट चाहिए, तो इसलिए रिजर्वेशन खत्म करने की बात तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर से इनके पहले की तरह पढ़ने लिखने के रास्ते को बंद तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसका रास्ता भी खोज लिया, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए। और आपको जान के ताज्जुब होगा, पिछले 15 सालों में देश के 1,00,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, और केवल 5 सालों में 5,00,000 से ज़्यादा पब्लिक स्कूल खुल गए। आप अगर अब से 25 साल पीछे जाएं, तो दिल्ली से किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चले जाएं, एक भी कॉलेज देखने को नहीं मिलता था। आज हजारों की मात्रा में हर एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज खुल गए, जहां एक बच्चे की साल की फीस लेके 70-80 हज़ार से, और वो फिर लाखों में कोई लिमिट नहीं है, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपये दे के लोग मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं। हमारी तो योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन खुद 1 करोड़ रुपए खर्च करके अपने बच्चे को मेडिकल करा की डिग्री ले आते हैं खरीद के, और पैसे के दम पे हॉस्पिटल नर्सिंग होम खोल के उसको मालिक बना देते हैं। तो इस तरीके से एक साजिश के तहत हमें रोका जा रहा है, फिर भी हम लड़ झगड़ के बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं कि हर साल 2-3 बार तो हमारा पूरा समाज मतलब रोड पे आके आंदोलन करता है उसके विरोध में, उस घटना के विरोध में, चाहे वो संत रविदास जी का मंदिर का मामला हो, चाहे वो 13-200 पॉइंट रोस्टर वाला मामला हो, चाहे वो एट्रोसिटीज एक्ट के डाइल्यूशन का मामला हो। तो क्या हम लोग अपनी पूरी एनर्जी विकास पे लगाने की बजाय, हमारे समाज की तरक्की कैसे हो उस पे लगाने की बजाय, हम मतलब रोडों पे बस आंदोलन ही करते रहें? एक्चुअली ये एक साजिश के तहत हमें उलझाए रखना चाहते हैं, ताकि हमारा ध्यान विकास की तरफ ना जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि ये खेत की ज़मीन कोई माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ। देश के तमाम प्राकृतिक संसाधन, जहाँ अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, वो कोई माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? हमारे लोग व्यापार में क्यों नहीं हैं? जब मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण पढ़ रहा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें एक वाक्य आता है जहाँ बॉम्बे के अंदर एक बूढ़ी माँ को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो तरबूज बेच रही थी। तो भाई, इसमें तरबूज बेचना कोई अपराध तो है नहीं? तो उन्होंने कहा, नहीं, भारत के संविधान बनने से पहले अछूतों को व्यापार करने का हक नहीं था, धर्मशास्त्र ये इजाज़त ही नहीं देते। तब मुझे समझ आया कि हमारे लोग व्यापार में क्यों नहीं है, हमारे लोग पास खेत की ज़मीन क्यों नहीं है। जो ताकतवर थी उन्होंने कब्जा लिया, आज हम ले भी नहीं सकते। उनकी ज़मीनें अखबार होती तो करोड़ों रुपये मुआवजा मिलता है,
लेकिन हमारे लोग लगभग 4000 साल पहले जब आर्यंस बाहर से आए तो कुछ लोग इनसे संघर्ष करके अल्टीमेटली जंगलों में चले गए और आदिवासी कहलाए। वो हजारों साल से जिस जंगल पे काम करते आए हैं, जिस जंगल के वो मालिक हैं, उन जंगलों में उत्खनन किया जा रहा है, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी नीचे ज़मीन से निकाली जा रही है और उनको उन जंगलों से भी विस्थापित किया जा रहा है। उनके विस्थापन पे उनको मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन जिन्होंने पहले ज़मीनें कब्जा ली, आज उन ज़मीनों को जब टेक ओवर करती है, एक्वायर करती है सरकार, तो उनको मुआवजा मिलता है। उनको तो मुआवजा मिल गया, लेकिन उनके खेत में काम करने वाले मजदूर का तो रोजी रोटी भी चली गई, उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। मैं बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये और कहना चाहता हूँ, खुशी के साथ इजहार करना चाहता हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे हमेशा लगता था कि बाबा साहब इतने मतलब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, और वो उनको केवल एक दलितों का मसीहा बता के या संविधान निर्माता कह के उनके कद को छोटा करने का आज तक देश में प्रयास हुआ है, जबकि दुनिया के महानतम अर्थशास्त्रियों में से एक थे। उनके रिसर्च पेपर पे 1934 में भारत का रिजर्व बैंक बना, जितनी लैंड रिफॉर्म्स की, जो किसानों के रिफॉर्म्स की जो कानून उन्होंने बनाए, जो अभी डॉक्टर संजय जी बोल रहे थे, तो वो एक एक चीज़ें आपको किताबों में आसानी से नहीं मिलेंगी। जो संजय जी बोले उसी को खोजने के लिए बहुत सारी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, सुप्रीम कोर्ट की डिबेट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, और जब वो लेबर मिनिस्टर थे जो बताया 1942 से 46 के बीच, उस बीच जो महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी या मेटर्निटी लीव वगैरह वगैरह जो बाकी कानून वो लेके आए, या 1951 में हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो महिलाओं के अधिकार दिलाए, मैं तो ये कहता हूँ देश की आधी आबादी महिला, उस महिला की स्थिति अछूतों से कम नहीं थी, बिल्कुल महिला, हमारे देश की महिला को भी उसी तरह के अधिकार नहीं थे जिस तरह हमारे बुजुर्गों को नहीं थे। तो एक तरफ वो आधी आबादी और दूसरा दलित आदिवासी अति पिछड़े वर्ग के लोग, इस सारे लोगों को जोड़ लें तो ये कम से कम 90% बैठता है। तो मैं समझता हूँ जब आज़ादी का आंदोलन चला, उस आज़ादी के आंदोलन में कहीं भी दलितों के आज़ादी और अधिकार की चर्चा नहीं है, उस आज़ादी के आंदोलन में कहीं भी इस देश की महिलाओं की आज़ादी की और अधिकार की चर्चा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक तरफ जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें गांधी नेहरू जिन्ना जैसे बड़े बड़े नेता थे और उनके पीछे लाखों कार्यकर्ता थे, तो और वो भी केवल 10% की आज़ादी का आंदोलन था, लेकिन एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चंद साथियों के साथ 4000 साल की गुलामी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन लड़ा बिना खून बहाए, अपनी काबिलियत से, योग्यता से, अपनी कलम से, अपनी विद्वता से उन्होंने 90% देश के लोगों को आज़ादी दिलाई। ये भी इंगित होना चाहिए, इसको भी लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमने 6वीं 7वीं 8वीं में आज लॉन्च किया है त्यागराज स्टेडियम से बकायद पुस्तक छपवा के 6वीं 7वीं 8वीं में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विभिन्न आयाम हैं, जो अलग अलग तरह की प्रतिभाएँ थी, उसको सबको हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बना सकें, ताकि समता, स्वतंत्रता व बंधुता लोगों के अंदर कायम हो। क्योंकि अगर लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो फिर लोग मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं में ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे, तब सही मायनों में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में हम सफल होंगे। तो आज मैं पुनः बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सब साथियों को भी क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, नमो बधाई करता हूँ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।